टिमरिस के लिए जाते हैं, 100 करोड़ ओवरसीज के लिए जाते हैं। जो मालूम होनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर तेलंगाना के अंदर स्कीमों को लेके, 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास मिलते हैं, 3 की जरूरत नहीं क्योंकि वो वेल ऑफ है, अच्छा खासे उनकी माली हालत है। दूसरा तबका ऐसा है जिनको स्कीम की मालूम है लेकिन उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर संगारेड्डी में भी एक ऐसा रहनुमा सेंटर कायम करने का मौका इनायत फरमाया। अभी जैसा कि रियाज अहमद साहब ने आपके सामने तफसीलात बयान की हैं कि हुकूमत की जानिब से तो बहुत सारी स्कीमात हैं और हम देखते हैं कई सालों से कि करोड़ों रुपये आते हैं लेकिन मुसलमानों की लापरवाही की नतीजे में वो अदम तवज्जे की वजह से, दूसरा नॉलेज की कमी और दिलचस्पी की कमी, इसके नतीजे में कुछ थोड़ा सा बजट इस्तेमाल होता रहा, सही रहनुमाई करेगा और संगारेड्डी के अवाम की खिदमत करेगा। जो जिन तक सही इमदाद नहीं पहुंच रही है जिसकी वजूहत भी यहां आई तफसील से, यानी स्कीमात का इल्म का नहीं होना, डॉक्यूमेंट्स का नहीं होना, या बर वक्त जो है उसके एक्शन का नहीं लेना, या उसके जो प्रोसेस है प्रोसेस को न समझना, ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से कई मुस्तहकीन महरूम हो रहे हैं। तो उनकी बेहतर रहनुमाई के लिए आज ये सेंटर का यहाँ आगाज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद जो एक मुल्कगीर सतह की तंजीम है जो शहराए जिंदगी के हर पहलू पे इंसानों की रहनुमाई भी करती है, मदद भी करती है, चाहे दावत दीन हो, चाहे इस्लाह उम्मत हो, चाहे बंदगान खुदा की खिदमत हो, तो बंदगान खुदा की खिदमत के सिलसिले का ही एक अहम तरीन ये काम है। अल्लाह ताला ने खास तौर से हुक्म दिया था अहसिन कमा हसन अल्लाह इलैक, लोगों पर एहसान करो ऐसे जिसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। खुदा के बंदों की खिदमत एहसान ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का एक इजहार है जिसके सिलसिले में यहाँ ये इमदादी इदारा कायम किया जा रहा है। और एक खास बात यह कि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नहीं है बल्कि ये सारे इंसानों के लिए है। इस्लाम का जो बड़ा तसव्वुर है वो सारे इंसानों से मुतालिक है, इस्लाम महदूद तसव्वुर नहीं देता, सिर्फ मुसलमानों के हद तक की बात नहीं देता, इसलिए कि एक बैनुल आफाकी एक आफाकी दीन है जिसका मैसेज भी जिसके खिदमात भी सारे इंसानों के लिए भी है। यहाँ मुसलमानों के साथ साथ हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन भी आए, उनकी तरफ भी उनको तवज्जो दिलाने के सिलसिले में भी मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जाएंगे। यहाँ जो मैनेजमेंट है जो जिम्मेदारान है किस तरह से किन जराए से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों तक भी मैसेज देंगे ताकि वो लोग भी यहाँ इस्तेफादा करें। जैसे कि आप जानते हैं हमारे खिदमत खल के कामों में भी कोई तख्सीस नहीं है, इंसानी बुनियाद पर ये काम होता है, कौमी बुनियाद पर नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का ये बहुत बड़ा मैसेज है कि सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, मखलूक है, इनकी खिदमत की जाए। चुनाचे ये इदारा हर दोनों के लिए इसी तरह काम करेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिन अकरास के लिए इदारा कायम किया गया है उसमें हमें हमारी सलाहियत से दावती नुक्ते नजर से हिकमत से बंदगाने खुदा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। रब्बी अग़फिर वारहम व अंतक़िर रहीमीन व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దీనికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలకి, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ప్రెస్ మీడియా వారికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ప్రభుత్వ పథకాలు నిజంగా చాలా మందికి తెలియకపోవడం కొంతమంది ఉండే ఉంటారు, వాళ్ళకి మరి ఇక్కడ వస్తే వారికి ఎలాంటి పథకాలు ఉన్నాయి, మరి వాళ్ళకి ఏ అవసరమైనటువంటి పథకం కావాలి అని కూడా వార్డులలో తిరిగి కూడా మరి వారు ప్రచారం చేసి మరి ఇలాంటి పథకాలు ఉన్నాయని కూడా డోర్ టు డోర్ చెప్పడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆధార్ కార్డ్ కానివ్వండి, ఆసరా పెన్షన్స్ కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మీ షాదీ ముబారక్ కానివ్వండి, మరి ముస్లింస్లకే కాకుండా మన హిందువులకు కూడా ఇక్కడ సహాయం చేయడం జరుగుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి దీనికి నిజంగా సంతోషించదగ్గ విషయం ఇలాంటి